There is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and, and said, I have set my gaze on you, daughter. आप सबको पता है ये जो महीना है ये ये विश्वास का महीना है ओके पिछले पिछले महीने हमने किस किस टॉपिक पे हमने सीखा आनंद ठीक है so, सो ये जो महीना है ये विश्वास का महीना है गे? विश्वास मीन्स फेथ ओके अब डेफिनेशन uh, सबको पता है फेथ क्या होता है व्हाट इज फेथ विश्वास क्या होता है इंग्लिश okay, में जवाब दो मैं अनुवाद कर दूंगा ठीक है आर फ्री टू गिव आंसर इन इंग्लिश वॉट इज फेथ विश्वास क्या है ओके विश्वास, okay, विश्वास सुनने से होता है सुनना मसीह का वचन होता है और कोई डेफिनेशन है और कोई मतलब जो आप जानते हो कोई सही गलत कुछ नहीं है ठीक है बट जो आपको पता है आप बताइए थिंग्स अनसीन थिंग जो हम देख नहीं सकते ठीक है so, सो विश्वास वो चीज तो है जो आप देख नहीं सकते हो आप मुझे देख सकते हो ठीक है मैं दिख रहा हूं ओके अच्छा दिख रहा हूँ हाँ हाँ मेरी वाइफ की वजह से ठीक है सो so आप मुझे देख सकते हो ठीक है आप मुझे देख सकते हो इसके लिए आ, मैं हूँ यहाँ पे बट क्या आप मेरा विश्वास देख सकते हो नहीं ठीक है है मेरे में है विश्वास है बट आप देख नहीं सकते हो उसको ओके तो विश्वास वो चीज है जो आप देख नहीं सकते हो ठीक है लेकिन प्रभु का एक वचन है जिसमें लिखा है कि प्रभु का आ, मैं पढ़ता हूं याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय और सत्रहवा वचन वो कहता है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है ठीक है इन इंग्लिश इट सेवेंटीन दैट फेथ विदाउट वर्कस इज डेड ओके तो कर्म या आप जो काम करते हो वो तो दिखता है ना फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हाथ में माइक पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ चल रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है तो ये तो दिखता है ओके okay? लेकिन विश्वास नहीं दिखता है तो आप आपका विश्वास इस दुनिया में आपके आसपास के लोगों को कैसा दिखा सकते हो अपने कर्म से अपने काम से ठीक है तो अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे कि मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ हाँ प्रभु यीशु मसीह पर खुदा पर पवित्र आत्मा पर सिर्फ बोलने से नहीं होता है आपको उसको कर्म में भी लाना है आपको उसको काम में भी लाना है ठीक है तो भले आपका विश्वास कोई देख नहीं सकता है लेकिन आपके कामों से आपके कर्म से विश्वास परखा जा सकता है विश्वास दिखाया जा सकता है ठीक है तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आप में से कितने लोग बम्बई गए हैं हाँ बम्बई गए ठीक है आ, तो मैं एक बॉम्बे का एक छोटा सा आपको स्टोरी पसंद है सबको स्टोरी पसंद है ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत फ़नी भी है आप लोगों को बहुत मजा आएगा मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने मेरे वाइफ को ये स्टोरी सुना है ना तो वो बहुत हंसी राइट ओके सो आप जब बॉम्बे में रहते हो ना तो बॉम्बे एक स्ट्रेट है लाइक यू नो नॉर्थ से लेके साउथ तक एक ही सीधा रास्ता है ठीक है बैंगलोर जैसा गोल गोल नहीं है ठीक है अब बैंगलोर में गाड़ी चलाओगे ना तो आप गोल गोल घूमते रहोगे एक घंटा चलाओगे तो चक्कर आने लग जाएगा आपको बॉम्बे एकदम स्ट्रेट रास्ता है ठीक है बोरिवली से लेके सीधा चर्च गेट स्ट्रेट ओके एक हाईवे है तो हम उस हाईवे पे जब हम बाइक चलाते थे मेरे पास बाइक है तो वहाँ पे जब मैं ऑफिस जाता था तो मेरा ऑफिस थोड़ा दूर था बंड्रा में था तो मुझे वो हाईवे लेना पड़ता था तो हम लोग कार पुलिंग करते थे तो मैं मेरा दोस्त हम लोग साथ में जाते थे तो आप जब गाड़ी में जाते रहते हो ना तो आप अब, अब, अब जा रहे हो गाड़ी पे नॉर्मल स्पीड 60 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप जा रहे हो अचानक से ना एक बाइक आएगा स्विंग करके ऐसा निकल के जाएगा ठीक है सो हम लोग सब लोग डर जाएंगे फिर हम और तेज चलाते देखने के लिए कि वो कौन था ठीक है तो हम चला रहे चला रहे चला रहे फिर जब हम पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बाइक है एक्टिवा ओके उसके ऊपर तीन लोग बैठे हुए हैं ठीक है एक चलाने वाला एक बीच में और एक उसके पीछे किसी ने भी हेलमेट नहीं डाला है ठीक है उनका विश्वास देखो ठीक है उनका विश्वास देखो मेरे ड्राइवर मेरा जो दोस्त है जो गाड़ी गाड़ी चला रहा है उस बाइक वाले को इसके ऊपर विश्वास है कि ये जब गाड़ी चलाएगा ना ये और फास्ट नहीं जाएगा क्योंकि मैं कट मार रहा हूँ जस्ट इमेजिन अगर आप एक स्पीड पे जा रहे हो और साइड से अगर मुझे ओवरटेक करना है या कट मारना है अगर ये हल्का सा भी तेज़ी से चलाएगा तो गाड़ी टकरा जाएगी तो उस बाइक वाले का जो पहला चला रहा है उसका विश्वास देखो मेरे दोस्त के ऊपर के नहीं है। ये ये तेज़ी से नहीं चलाएगा ठीक है तो देख रहे हो आप विश्वास दिख रहे हो ठीक है विश्वास दिखता नहीं है बट आप ये जो कारनामा कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उसका विश्वास क्या है ठीक है तो वो बाइक वाले का विश्वास उससे ज्यादा विश्वास किसका है मालूम है क्या वो बीच में बैठा हुआ है ना उसका उसका विश्वास उस बाइक वाले पे है के ये नहीं ठोकेगा ओके सो देखा विश्वास बढ़ रहा है ठीक है right. मेरे दोस्त का भी विश्वास देखो के वो कट मार लेगा ठीक है वो मुझे नहीं टकराएगा ठीक है और उससे भी सबसे ज्यादा विश्वास ना वो जो पीछे बैठा है ना उसका है ठीक है हल्का सा वो बैठा हुआ है ठीक है वो पूरा भी आराम से बैठ भी नहीं सकता है लाइक अगर आप 100 परसेंट बैठते हो तो वो 50 परसेंट बैठा हुआ है और उसका विश्वास तीन लोगों पे है ठीक है वो गाड़ी वाले पे कि वो तेज नहीं चलाएगा वो पहला वाला जो बाइक चला रहा है उसके ऊपर है और बीच वाले पे भी विश्वास है कि वो सर के नहीं क्योंकि अगर वो सर का तो इसका विश्वास खत्म ठीक है वो सीधा स्वर्ग ठीक है सो so, आप देखते हो कि लाइक like, वो और ये रियल स्टोरी है ठीक है आप आप कभी भी जाओगे ना आपको वो बंदे मिल जाएंगे जो ऐसा जुई जूई चला रहे ठीक है उसमें से मैं भी था मैं भी वही करता था ठीक है मेरा विश्वास थोड़ा कम था तो मैं हेलमेट डाल के करता था उनका विश्वास मेरे से भी ज्यादा था बिना हेलमेट के चला रहे ठीक है तो मेरा ये उदाहरण देने का कारण ये था कि हम हमारा विश्वास कैसे बढ़ाए ठीक है थीके? अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया ठीक है ऐसा विश्वास मत बढ़ाओ आप जो मैंने उदाहरण दिया है प्लीज ठीक है आप ये मत बोलो पास्टर ने बोला कि बिना हेलमेट ट्रिपल सीट जाएंगे तो विश्वास बढ़ता है नहीं ठीक है मैं आपको बाइबल से उदाहरण देता हूँ ठीक है अगर आप मत्ती की किताब उसका आठवां अध्याय पंद्रह से तेरह वचन पढ़ोगे तो काफ़ी बड़ा वचन है मैं आपको आ, स्टोरी में बताता हूँ कि इस इस कहानी में क्या हुआ था तो एक एक, एक आ, रोमन सोल्जर था, था कमांडर था कमांडर सुबेदार हिंदी में उसको सूबेदार बोलते हैं तो यीशु मसीह ना कपरनम करके एक जगह पे था ओके और यीशु मसीह अपना काम कर रहा था ठीक है यीशु मसीह के पास खुद का विश्वास था ठीक है तो वो काम कर रहा था वो लोगों को चंगा कर रहा था वो वो रोग मिटा रहा था दुशात्माय निकाल रहा था वहाँ पे ये सुबेदार आया और वो सुबेदार ने बोला कि मेरा एक आ, सेवक है जो बहुत बीमार है ओके तो यीशु मसीह एज़ यूज़ुअल वो बहुत अच्छे वो बोला मैं आऊँगा मैं आता हूँ और तेरा जो सेवक है उसको मैं चंगा करता हूँ ठीक है बट सूबेदार ने बोला नहीं 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 आप नहीं नहीं आप बताओ ठीक है आप सिर्फ यहाँ से कह दो कि तू चंगा हो जा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा ये उस सूबेदार का विश्वास था उस रोमन कमांडर का विश्वास था कि अगर यीशु मसीह से कहेगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा ठीक है ये सुनकर यीशु मसीह अचंभित हो गए ओके जीसस वाज अमेज्ड और उन्होंने कहा कि पूरे इसराइल में ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा है ठीक है तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जिससे यीशु मसीह अचंबित हो जाए ओके okay? और फिर मैं सोच रहा था इस वचन के ऊपर और मैंने ये मैं लाइक like, मैं सोच रहा था कि अभी मैं क्या बोलूँ वचन तो मिल गया मुझे मैं पढ़ रहा हूँ बट मैंने एक चीज जाना कि वो जो सेवक था ना ओके okay? वो सेवक की चंगाई उस सूबेदार के वजह से हुई जो विश्वास करता था ठीक है क्या सेवक चाहता था कि वो चंगा हो हाँ वो चाहता था बट उसने शायद यीशु मसीह के बारे में सुना भी ना हो लेकिन ये जो रोमन सूबेदार था ये आया और इसके विश्वास के कारण वो चंगा हुआ ठीक है तो अगर आप गौर से सोचेंगे कि आपका विश्वास किसी और के लिए चंगाई का कारण बन सकता है आपका विश्वास किसी और के लिए छुटकारा बन सकता है आपका विश्वास किसी को आशा दे सकता है ठीक है अगर आज जब सुबह इंग्लिश सभा हुई उसमें जब पाशाप्री जी ने रोमियोज का सत्ताईसवा अध्याय का जो पूरा उन्होंने स्टोरी बताया उसमें वो सब एक जहाज़ में थे ओके पोलुस उस जहाज में था और सिर्फ पोलस के पास ही विश्वास था वहाँ पे लिखा है सब लोगों की आशा चली गई थी सबकी आशा खत्म हो गई थी क्योंकि चौदह दिन तक वो एक बो, एक नाव में थे अंधकार था और हवा और तूफान चल रहा है सब की आशा खत्म हो गई थी ओके okay? बट वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके पास आशा थी और उसके पास एक विश्वास था ठीक है उसका विश्वास कब बढ़ा जब एक स्वरदूत आया और उसने बोला कि डर मत तुम लोग नहीं डूबोगे उस स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा कि तुम नहीं तू नहीं डूबेगा उसने कहा तुम लोग नहीं डूबोगे राइट सो इसे हम ये सीख सकते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ हमारे लिए सीमित नहीं है हमारे परिवार में हमारे आसपास के लोग हम जिनके साथ हम रोजमर्रा मिलते हैं काम करते हैं बात करते हैं हमारे विश्वास के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को और अच्छी तरह से जान सकते हैं वो वो चंगा ही पा सकते हैं, वो छुटकारा पा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा वो एक आशा पा सकते हैं, ठीक है आज ही मैं आ, मुझे एक मैसेज आया कि एक लड़की है जिसको मैं जानता हूँ और वो सामने से कहती है कि मैं आगे काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं डिप्रेस हूँ मुझे, मुझे निराशा मुझे डिप्रेशन आ चुका है मुझे ना निराशा का जो जो माहौल है वो मेरे अंदर आ चुका है तो आप आप जान सकते हो कि पूरे संसार में लोग निराशा से घिरे हुए हैं ठीक है लोग दुख में हैं तकलीफ में हैं और लाइक आप आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आ, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में है ठीक है हिंदी में एक मुहावरा है कि आ, जब मैंने किसी को पूछा कि मैंने मैंने किसी को जाके कहा कि कितना मेरा गम कितना है जब मैंने उसको सुना उसका गम सुना तो वो मेरे से भी ज़्यादा था ठीक है मतलब हमको क्या लगता है कि हमारा जो दक, हमारा जो तकलीफ है हमारा जो दुख है वो काफ़ी है आपके लिए काफ़ी होगा बट जब आप लोगों से मिलते हो लोगों से बात करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका दुख कुछ भी नहीं है ठीक है बट जैसे उस नाव में आ, सब तकलीफ़ में थे ओके okay, सबको एक ही सोच थी कि अब हम मरने वाले अब हम डूबने वाले हैं क्योंकि इतना तूफान है और, और और कोई भी आशा नहीं बची है ठीक है लाइक like, उन्होंने जो बन सकता था प्रैक्टिकली सब किया उन्होंने जितने भी आ, नाव चलाने वाले थे उन्होंने सब कोशिश की बट सब ख़त्म हो गया ठीक है और सब सब निराश हो के और बिना किसी आशा के बैठ गए वो खाना भी नहीं खा रहे थे ऐसा नहीं था कि खाना नहीं था उस जहाज में खाना था बट वो खाना भी नहीं खा रहे थे क्योंकि लोग लोग इतने निराश हो गए थे बट वहां पे एक व्यक्ति था जिसने विश्वास किया जिसने लोगों को कहा कि नहीं अब तुम खाना खाओ ओके पासा पाशाप्री जी ने सवेरे तीन चीजें क्या बोली कड्डा रोप ओके आपके आपके सो कट रोप वो बहुत बड़ा सा मैंने बट आप, 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 आपकी रस्सी काटो आपके जितने भी सपोर्ट uh, सिस्टम है ठहराव है जिसके ऊपर आप आपका रोजमर्रा की जिंदगी जीते हो आप उसको काट दो कट दूसरा ईट फूड ईट योर मील रोज खाना खाओ ठीक है लाइक खाना सबको पसंद है ऐसा कोई यहाँ पे है जिसको खाना पसंद नहीं है ठीक मुझे तो बहुत पसंद है ठीक है दिख भी रहा है मेरे शरीर पर और तीसरी बात क्या है फिल द गैप्स जितने भी आपके लाइफ में जो भी गैप्स है जो भी रुकावटें वो भरना है ठीक है सो अगर आप आप इस इस सूबेदार की विश्वास को देखोगे तो इसके विश्वास ने उसके सेवक को चंगा किया इसके विश्वास ने यीशु मसीह को अचंबित किया ठीक है तो ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए राइट तो यू नो विश्वास के बारे में अगर आप आप कई सारे आ, शर्मन है कई सारे संदेश है ओके और हम बचपन से लेके आज तक जब से आप आप, आप प्रभु में आए हो आप ये कॉमन टर्म तो हमेशा सुनते रहोगे लाइक विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो आप किसी के पास भी प्रार्थना के लिए जाओगे तो वो बोले हाँ मैं तुम्हारी प्रार्थना करो आप विश्वास करो क्योंकि हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया बहुत सारे दुश्चत्माएँ निकाले और उसने सब कुछ एक चीज़ में किया के प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास था और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है ठीक है इस सिचुएशन में सुबेदार सूबेदार की सिचुएशन में उसका सेवक चंगा हो गया इस सूबेदार के विश्वास के लिए ठीक है सो हमारा विश्वास बहुत कीमती और बहुत अहम है हमारे आसपास के लोगों के लिए ठीक है हम एक, एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब ग्यारवा अध्याय पहला वचन बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर इलेवन वर्स वन और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको पूछा विश्वास क्या है ये बिब्लिकल डेफिनेशन है विश्वास का ठीक है तो अगर आप इसके बाद तो ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं विश्वास क्या है ठीक है क्योंकि बाइबल में क्लियर डेफिनेशन लिखा हुआ है और वचन कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है ठीक है तो अगर आप विश्वास करते हो तो आपको आशा होनी चाहिए ओके आपको विश्वास होना चाहिए ऐसी चीज़ों पे जो अनदेखी है ओके सिंपल एक एक साधारण सवाल मैं आपको पूछता हूँ कितने लोगों ने यहाँ से यीशु मसीह को देखा है बट हम विश्वास करते हैं कि मेरी वाइफ ने देखा है इट्स लाइक like, मेरी बीबी ने यीशु मसीह का दर्शन उनको मिला है आप कभी बैठिए उनसे बात करिए लाइक like, ना मुझे थोड़ा जल्दी फील होता है उसके अगेंस्ट कि uh, प्रभु यीशु मसीह मेरी वाइफ को दिखा है और ना जाने अनगिनत अन्य जाति के लोगों को दिख रहा है और मैं यहाँ रोज प्रार्थना करता हूँ और मैं करता रहूँगा मैं करता रहूँगा अपने अंतिम सांस तक करता रहूँगा जिस दिन तक मैं यीशु मसीह को नहीं देखूंगा बट यू नो में से ज़्यादातर लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा है लेकिन हम फिर भी उससे विश्वास करते हैं ओके okay? और आपका जो विश्वास है वो एक एक सॉलिड फाउंडेशन पे होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे कहने पे इस कलीसिया में आते हो ठीक है और अगर आप मुझे कुछ बाहर गलत काम करते हुए देखोगे तो क्या आप इस कलीसिया में आओगे नहीं आप आप बोलोगे कि अरे ये तो पास्टर रॉबिन यहाँ पे इतना अच्छा बड़ा बड़ा बात करता है बाहर जाके कांड करता है ठीक है सो सो आपका विश्वास ओके okay, ऐसे लोगों पे ऐसे इंसानों पे होना चाहिए जो प्रभु में दृढ़ है ओके और इसका एक एक, एक आ, ये जो इब्रानियो का जो किताब है उसके ग्यारहवें अध्याय में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है यू नो इट्स अ चैप्टर विच इज चैप्टर फुल ऑफ पीपल फुल ऑफ फेथ ओके ये जो आ, किताब है इसमें करीब करीब 16 लोगों के नाम गिनाए गए हैं जो विश्वास करते हैं ओके इन सब नाम है अभी अगर मैं हर एक के ऊपर अगर मैं बात करने लगू ना तो जितना नाम देख रहे हो उतना शरमन बच जाएगा ठीक है so, सो आप घर जाइए ठीक है आप सबके पास पवित्र शास्त्र है ठीक है अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरा विश्वास कम हो रहा है विश्वास डगमगा रहा है या मेरे पास ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना विश्वास नहीं है कुछ नहीं आपको ये इब्रानियों उसका ग्यारहवा अध्याय पढ़ना है हिब्रू चैप्टर 11 ठीक है आप देखिए कि ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल और कठिन सिचुएशन में ये थे बट प्रभु ने इनको बाहर निकाला उसमें से क्यों क्योंकि इन्होंने सही चीजों पे विश्वास किया प्रभु के ऊपर विश्वास किया प्रभु के लोगों के ऊपर विश्वास किया अब हम हम इस इस संसार में जी रहे ठीक है तो जब मैं सवेरे पास प्रीजी इंग्लिश में प्रीच कर रहे थे मैं उनका वचन सुन के इतना खुश हुआ मैं मैं बहुत भावुक भी हो गया क्योंकि मैं जो आज कहना चाहता था पवित्र आत्मा ने उन्हें भी वो ही प्रेरित किया ठीक है कि आपको आपका विश्वास ऐसे इंसान ऐसे व्यक्ति पे रखना है जिससे आपका विश्वास आपका प्रेम आपका जो रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ वो और बढ़ता जाए ठीक है अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं मैं पास्टर प्रिजी जो हमारे आ, आ, सीनियर पास्टर है वो मैं उनके साथ 10 साल से एसोसिएटेड हूँ ठीक है अगर आप आप यू you नो know, सब सबके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि वो यू नो डाउटफुल होता है विश्वास कम होता है आशा नहीं रहती है क्योंकि okay? मेरे लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आई uh, कई सालों पहले कि मैंने भी आशा छोड़ दी थी ठीक है मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा ओके okay? ना मेरी कभी लाइक uh, लाइक like, like मैं मैं इस हद तक पहुंच गया था कि मैं शादी भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इतना निराश हो गया था लोगों से आसपास के परिस्थितियों से और ऐसा फील होता था कि ये सब छोड़ के ना भाग जाना चाहिए ठीक है और मैंने कोशिश भी की ओके मैंने सोचा बेस्ट है इंडिया से ही बाहर भाग जाता हो ठीक है और सब जगह अप्लाई करने लगा जॉब ये वो क्योंकि मैंने लाइक यू नो इट्स uh, बहुत आसान होता है फॉर एग्जाम्पल आप एक सिचुएशन में हो ठीक है ओबियसली एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप एक सिचुएशन में हो लोग आपको मार रहे हैं तो आप वहाँ खड़े नहीं रहेंगे आप भागेंगे ठीक है तो मैं भी वैसे ही सोचा कि अभी अगर मैं यहीं रहूँगा मेरे घर पे बम्बई में तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, चलो भाग जाते हैं ठीक है तो हम क्या सोचते हैं कि हम जहाँ पे हम उपस्थित हैं वो अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारी परिस्थिति ठीक थी, हो जाएगी बट तो वैसा नहीं होता है जब मैं इस दौर से गुजर रहा था तो मैं मैंने एक चीज़ पासुप्री जी से सीख गई कि उनका विश्वास आप आप अगर उनसे आप आप सब जानते हो ठीक है आप सब ने उनसे बात किया उनका विश्वास जो है वो इतना स्ट्रांग है वो इतना दृढ़ है कि उनका विश्वास से मेरा विश्वास बढ़ता है ठीक है मेरे आत्मिक पिता पास शाइजू मैथ्यू जब मैं उनसे बात करता हूँ जब मैं उनका वचन सुनता हूँ जब मैं उनकी टेस्टिमनी को सुनता हूँ गवाही को सुनता हूँ उनके विश्वास को देख के मेरा विश्वास बढ़ता है ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जीवन ऐसे लोगों के पास रहे जो विश्वास में दृढ़ है ओके अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास साथ टाइम स्पेंड करोगे जो आ, गलत कामों में है वो उसको ऐसा लगता है कि चलो हम जाके किसी दुकान से कुछ चुरा लेंगे और अगर वो आपको यही बोलता रहेगा कि नहीं ये गलत बात नहीं है आप कर सकते हो कुछ नहीं होता है छोटा पाप है छोटा पाप माफ है ओके खुदा बड़ा पाप को जो आप बड़ा पाप करते हो उसको सजा देता है छोटा पाप माफ है अगर आप उसी को सुनते रहोगे तो आपको क्या लगेगा हाँ ठीक है ना ये भी छोटा पाप है आप जाओगे दुकान से चॉकलेट उठा के लेके आ जाओगे ठीक है आ, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चॉकलेट उठाता था दुकानों से ठीक है मेरे को भी यही सिखाया गया था कि छोटा पाप है ओके तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे आप उसके जैसे ही बन जाओगे लेकिन अगर आप आपका जीवन ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो जो विश्वास में दृढ़ है ओके अगर आपके पास कोई भी दुख तकलीफ कठिनाई है हम क्या करते हैं हम हमारे पास्टर के पास भागते वाले पास्टर प्रार्थना करो ये हो गया पास्टर प्रार्थना करो बट आप जानते हो वो जो पास्टर है या जो भी आप किसी के पास भी प्रार्थना के लिए जाते हो प्रभु उनके विश्वास को देखता है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है ठीक है सो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा जीवन ऐसे लोगों के साथ रहे जो विश्वास में इतने स्ट्रांग है जो विश्वास में इतने दृढ़ है कि उनके विश्वास के कारण हमारा विश्वास बढ़े और अगर हम ये विश्वास हमारा किसी और के साथ बढ़ता है तो हम भी कारण बने किसी और के लिए कि हम उनका विश्वास बढ़ाएं ठीक है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो जो बाइक वाला एग्जाम्पल ठीक है लाइक like वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ठीक है uh, आप उसको करिए मत बट मैं आपको सिर्फ एक इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ कि उनका विश्वास देखिए वो एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं और सेफ है जस्ट इमेजिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे जैसे उस नाव में सिर्फ एक ही व्यक्ति था पोलोस जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था और उसके विश्वास के कारण जो एक सिचुएशन था जहाँ पे कोई भी नहीं बच सकता था 276 लोग बच गए ठीक है सो मेरा यही संदेश है आज के लिए कि हम ये पूरे महीना सिर्फ ये महीना नहीं सी आपको एक चीज़ जानना है कि हम हर महीना एक एक टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो टॉपिक सिर्फ वो मंथ के लिए नहीं है जैसे कि पिछला मंथ आनंद का था तो सिर्फ आप पिछले मंथ आनंद रहेंगे और अभी से दुखी रहेंगे नहीं 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 ठीक है आपको आपको बढ़ना है ठीक है तो अभी आप लोग हंस रहे आनंद देते वेरी गुड कीप इट अप ओके बट ये महीने से जब हम विश्वास हमारा बढ़ा रहे हैं वो बढ़ते रहना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए अगर कम हो भी जाए तो ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जिनके साथ आप बात करें जिनके पास आप जाएं और आपका दुख आपके तकलीफ आपके है जब वो आपको बताएँ तो आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए वो आपका विश्वास बढ़ाना चाहिए वो जब प्रार्थना करेंगे तो आपका विश्वास और स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है तो आपको एक चीज़ आपके जीवन में परखना है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति के पास जाता हूँ और मेरे तकलीफ़ में उसको बताता हूँ तो या क्या मेरा तकलीफ़ कम होता है कि मैं उसका तकलीफ लेके वापस आ जाता हूँ ठीक है और हमको इतना स्ट्रांग बनना है किसी और के लिए जब वो अपना तकलीफ जब वो प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए और आप जब विश्वास से प्रार्थना करें तो प्रभु उनके उनके जीवन में कार्य करे ठीक है और ये मैं दावे के साथ कह सकता क्योंकि मैंने देखा है जब मैं बचपन से जब लोगों के साथ रहा मेरा विश्वास मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा हो लाइक यू नो मैं विज्ञान में बहुत आ, विज्ञान में मेरा आ, विश्वास है क्योंकि यू नो एम ए वेरी साइंटिफिक एंड अ प्रैक्टिकल पर्सन बट आई हैव सीन लाइक मैंने ना मेरे आंखों से देखा है कि लाइक कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा चीज बोलता है जो मैं खुद ही डाउट करता हूँ कि बॉस ये क्या बोल रहा है नहीं हो पाएगा ठीक है बट जब मैं उस व्यक्ति का विश्वास देखता हूँ कि उसने क्या कहा है उसने क्यों कहा है और वो किस चीज़ पे विश्वास रखता है जब मैं वो सोचता हूँ ना तो मेरा विश्वास बढ़ता है ठीक है जब मैं पास्टर प्री जी के साथ रहता हूँ पाश्व शाहजू पाश जो हमारे जब हम कन्वर्सेशन करते हैं ठीक है ठीके? हम 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 किसी समस्या या किसी प्रॉब्लम या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब प्लानिंग या प्रिपरेशन करते हैं तो मैं पहले ना बहुत छोटा सोचता था ओके बट ये दस साल में ना मेरी सोच बढ़ गई है ओके okay? मेरा विश्वास बढ़ गया है ठीक है क्यों बढ़ा है मालूम है क्या क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को मेरे ऊपर रखा है और मैं उनसे मैं जब मैं उनका सबमिट करता हूँ जब मैं उनसे सीखता हूँ और जब मैं उनसे करेक्शन लेता हूँ ठीक है वो जब भी, भी करेक्शन करते वो जब भी, भी आपको आपकी गलतियाँ निकालते है और आपको सुधार किस तरह आप सुधरे वो बताते तो आपका विश्वास बढ़ते रहना चाहिए ठीक है विश्वास एक ऐसी चीज है जो आप देख नहीं सकते हो ठीक है लेकिन आप आपके कार्यों में आप आपके संगति में आप आपके रोजमर्रा के जीवन में आप उसको दिखा सकते हो ठीक है सो मेरी आपसे यही प्रार्थना और विनती है कि आप इस वचन को अपने मन में रखें और मैं पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप आपका विश्वास बढ़ाते रहिए ठीक है थीके? आप जांचिए अपने आप को जांचिए कि आप किस लोगों के साथ घिरे हुए हैं आप जब आपकी समस्या किसी के पास लेके जाते हैं तो क्या आपका विश्वास कम होता है कि क्या आपका विश्वास बढ़ता है ठीक है क्योंकि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके विश्वास को बढ़ाए ठीक है और आप किसी और के लिए विश्वास बढ़ने का कारण बने मैन